गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 11। उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे वो पढ़ेंगे इसमें हम, इस टॉपिक में। तो कोई भी इक्वेशन जैसे हमारे पास है, कंसीडर द इक्वेशन एफ एक्स वाई सी, जो कि एक्स वाई और सी के अंदर है। दिस रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी के लिए सी की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग कर्व्स आएंगे, तो ये क्या बन जाएगी? फैमिली ऑफ कर्व्स। बहुत सारे कर्व्स हम इससे बना सकते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ पर सी क्या कहलाता है? सी इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कहलाता है। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू रखेंगे, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू इसकी जगह हम रख सकते हैं। जैसे वन रखेंगे तो अलग आएगी, टू रखेंगे अलग आएगी, थ्री रखेंगे तो अलग इक्वेशन आएगी। तो बहुत सारे कर्व्स बन जाएंगे, तो वो कर्व्स की क्या कहलाएगी ये इक्वेशन? फैमिली ऑफ कर्व्स, इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स। बहुत सारे कर्व्स की इक्वेशन है, क्योंकि सी की वैल्यू हम अलग अलग रख सकते हैं, डिफरेंट सी के लिए अलग अलग कर्व्स आएंगे। अब हम इसी इक्वेशन से क्या बनाएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन की क्या बनाना चाहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए हम इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। इफ वी डिफरेंशिएट वी गेट अनदर इक्वेशन, मान लेते हैं इक्वेशन आ गई जी के अंदर, नहीं बनेगी कुछ और, तो एक्स वाई और उसमें डी वाई बाई डी एक्स भी होगा, एक्स भी होगा वाई भी होगा उस इक्वेशन में, और डी वाई बाई डी एक्स और कॉन्स्टेंट भी रहे मान लो। अब ये जो दोनों इक्वेशन आई हैं, एलिमिनेटिंग दी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट फ्रॉम दी टू इक्वेशंस वी गेट अनदर इक्वेशंस, हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी, और वो हम मान लेते हैं एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो हम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी को एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों से, एक से सी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें, या दोनों इक्वेशनों को सोल्व करें तो सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आएगी एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स में, इसको क्या बोलेंगे? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कर्व्स की क्या हो गई? ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब इसमें तरीका ये रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का, किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स का, उसमें जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं उतनी बार हम उसका क्या कर दें? डेरिवेटिव कर दें। तरीका ये रहेगा, द गिवन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका होगा अब इनका, फैमिली ऑफ कर्व्स का, द गिवन इक्वेशन इज टू बी डिफरेंशिएटेड। दी हुई इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में सक्सेसिवली एज मैनी टाइम्स एज
एज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। उस इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे उतनी बार हम उस इक्वेशन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और फिर उन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को हम क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। फिर जो इक्वेशन आएगी वो क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। अब जैसे इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, एक्सरसाइज 11.2, तो तरीका ये रहेगा हमारा, जितने भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है उतनी बार उस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दें और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट कर दें, फिर जो इक्वेशन आएगी वो क्या कहलाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है इस इक्वेशन में, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। सी एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है इस इक्वेशन में। तो हमने बताया था जिस भी फैमिली ऑफ कर्व्स की, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, क्यों, क्योंकि इसमें सी क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो सी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अलग अलग इक्वेशन आएंगी, अलग अलग कर्व्स आएंगे, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स कहलाएगा। बहुत सारे कर्व्स की ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है अकेला, तो फैमिली ऑफ कर्व्स है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी वी विल गेट डिफरेंट कर्व्स। तो यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, एक बार हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की x का होगा, e की x कॉन्स्टेंट साथ में बाहर हो जाएगा, और e का होगा पहले एज इट इज, और फिर y का हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हमें c को एलिमिनेट और करना है, जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट थे उतनी बार हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया गिवन इक्वेशन का। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट और करना है, तो एलिमिनेट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस ई की एक्स, और यहाँ से सी की वैल्यू आ गई माइनस ई की एक्स अपॉन ई की वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये सी की वैल्यू जो आई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन, the value of c in equation 1, इसको 1 में पुट कर देंगे, फिर ये c भी एलिमिनेट हो जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। c की वैल्यू है माइनस e की x अपॉन e की y dy वाई बाई डी एक्स और इंटू e की y इज इक्वल टू 1। e की y से e की y कैंसिल, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बनेगा, ई की एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस ई की एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करें तो इसको इधर ले आएंगे, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इसको प्लस उधर ले जाएंगे तो प्लस। तो ये आगे हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉमन आ गया डी वाई बाई डी एक्स दोनों से। अब इस इक्वेशन के अंदर कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है, और ये किससे बनाई है, इस इक्वेशन से बनाई है। तो इस फैमिली ऑफ कर्व्स की ये क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सी है इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, इसलिए फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन। तो फैमिली ऑफ कर्व्स के हम क्या बना सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने उस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे उतनी बार हम डेरिवेटिव करेंगे, जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई यहाँ से हमारे पास।
आगे क्वेश्चन नंबर टू, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिस कर्व्स की हमें इक्वेशन दे रखी है फैमिली ऑफ कर्व्स की, वेयर ए बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं? जिस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम कोई भी कॉन्स्टेंट रख सकते हैं, जैसे ए की जगह वन रख सकते हैं, ए की जगह टू रख सकते हैं, ए की जगह थ्री रख सकते हैं, बी की जगह फोर रख सकते हैं, फाइव, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई भी रख सकते हैं हम इसकी जगह, तो इनका नाम क्या है? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। और एक फिक्स हो जाए जैसे फोर, तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टेंट फिक्स है। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट यूज हो रहे हैं। इक्वेशन में कॉन्स्टेंट की तरह से वैल्यूज की जाएगी, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज यूज कर सकते हैं इस कॉन्स्टेंट की हम ए और बी की, तो इन्हें हम बोल रहे हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। बहुत सारी इक्वेशन हम इससे बना सकते हैं ए और बी के अलग अलग वैल्यू रख करके कॉन्स्टेंट, तो इसलिए ये फैमिली ऑफ कर्व्स होगी, बहुत सारे कर्व्स की इक्वेशन है ये, तो कर्व्स की क्या बन गई? फैमिली बन गई। बहुत सारे कर्व्स हो गए तो कर्व्स की फैमिली बन गई, तो फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन है। अब इसमें दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो कितने बार डेरिवेटिव करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन वन होगी जैसे, तो हम वाई का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट ये बाहर रहेगा, कोस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स प्लस बी, कोस का हो गया, फिर एक्स प्लस बी का होगा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, और एक्स की वैल्यू आ गई वन और बी की वैल्यू आ गई जीरो। तो हमने चेन रूल से किया, पहले बाहर वाले फंक्शन का फिर अंदर वाले का, तो एक्स का वन और बी का जीरो। अब इसका हम एक बार और करेंगे डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए साइन का हो जाएगा कोस एक्स प्लस बी, और x प्लस बी का कितना हो जाएगा? वन, पहले साइन का हुआ फिर x प्लस बी का हो गया। तो हमने इसका टू टाइम्स डेरिवेटिव कर दिया। अब जो ये वैल्यू दिखाई दे रही है हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये किसकी वैल्यू है सारी? ये y की वैल्यू है, तो हमें तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट एलिमिनेट करने हैं, तो यहाँ पर एलिमिनेट हो रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है y, तो ये माइनस y दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये बन गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर आ गए। ये इस फैमिली ऑफ कर्व्स की क्या बन गई है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स की हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, जितने उस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे उतनी बार हमें डेरिवेटिव करना होगा, और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट भी करना होगा। अब इसके अंदर कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नज़र नहीं आ रहा, न ही ए नज़र आ रहा और न ही बी नज़र आ रहा, तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर पैराबोलाज की इक्वेशन है, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इसका डिफरेंशिएटिंग करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वेयर का होगा टू वाई, वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव हुआ? पावर का, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका होगा, तो वाई का हुआ डी वाई बाई डी एक्स, और फोर ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, एक्स का वन हो जाएगा, तो टू से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आएगी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ए। अब इस इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू इंटू वी से करेंगे, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स,
और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस वाई एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और टू ए का हो जाएगा जीरो। ये हमने कैसे किया है, यू इंटू वी से किया है। वाई को तो हमने यू मान लिया, डी वाई बाई डी एक्स को वी मान लिया, तो वाई का डेरीवेटिव डी वाई बाई डी एक्स दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरीवेटिव, तो यहाँ से बन गया डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अब इससे आगे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन बाय वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। इसके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बता रखे हैं, दो ए और बी, तो हमें दो बार इसका डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा एक्स का वन और एक्स की पावर माइनस वन का पावर आगे एक पावर कम हो जाएगी, अब इसका हम एक बार और डेरिवेटिव कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और कॉन्स्टेंट अकेला है जीरो हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू का माइनस टू आगे एक पावर कम हो गई तो एक्स की माइनस थ्री हो जाएगी, तो यहाँ से बन गया टू बी बाई एक्स क्यूब माइनस बन गए, क्योंकि ये क्या चीज़ है, एक्स की पावर माइनस टू है ऊपर जाकर, तो एक्स की पावर एन का कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है एक पावर कम हो जाती है, तो ये वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट रह गया, तो ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब इस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को हम रिमूव कर देंगे, इसकी वैल्यू ले आएंगे एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स में, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को हमें एलिमिनेट और करना है अभी, तो उसके लिए आसान सा तरीका है कि भाई बी की वैल्यू निकालनी तो ए को एलिमिनेट कर लो इन दोनों से, ए को ख़त्म कर लेते हैं दोनों से। ए कैसे ख़त्म हो सकता है, ए एक्स है यहाँ, यहाँ पर भी ए एक्स बना लो, तो उसके लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट तो ये बनेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी बाई एक्स स्क्वेयर था, तो एक एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स से मल्टीप्लाई किया था, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं थ्री बाई। अब वन और थ्री को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, बी की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशनों को तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू आ गई वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू बी बाई एक्स, दोनों ऐड हो गए। हमें तो क्या चाहिए, टू बी बाई एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स स्क्वेयर से हम और डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, डिवाइडिंग एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो वैल्यू आ गई वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू बी बाई एक्स क्यूब, ये आ गई भाई हमारे पास। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग टू बी बाई एक्स क्यूब इन फोर वी गेट, हमें इक्वेशन मिल जाएगा फोर में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और इसकी वैल्यू आई है वन बाई एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है भाई। ठीक है,
ठीक है, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। और ज़्यादा सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर को इधर ले जा सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, ये हमने एलिमिनेट करके बनाई है ए और बी को। दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट थे तो कितने बार डेरिवेटिव किया, दो बार। और फिर दो बार डेरिवेटिव करने के बाद हमने बी की वैल्यू चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, और बी की वैल्यू को हमने पुट कर दिया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इस गिवन कर्व की। हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन बन गई। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन वेयर ए बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ए और बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट गिवन है, तो जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है उतनी बार हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव करेंगे और इन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट भी करेंगे। फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसे हम कहेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉन्स्टेंट तो बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और इसमें हो जाएगा टू बी वाई और y का हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स और 1 का होगा 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 में। अभी हमें इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है और कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट भी करने है। ये डायरेक्ट कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ पर, कैसे हो रहे हैं देखो, इसको इधर ले जा सकते हैं माइनस टू एक्स, टू से डिवाइड कर देंगे और कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम इस कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं माइनस ए एक्स बाई बी और एक्स को इधर ले आते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस ए बाई बी। इस इक्वेशन का हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं फिर से क्योंकि हमें दो बार डेरिवेटिव करना है और अब ये कॉन्स्टेंट आ गए तो कॉन्स्टेंट एलिमिनेट भी हो जाएंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमने सारे कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लिए, इसमें बाद में भी एलिमिनेट करने थे, पहले ही हो रहे हैं तो ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे, देखो u इंटू वी से करेंगे, इसको u मान लेंगे इसको v, दो का प्रोडक्ट का। तो डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स और dy वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस y बाई एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ dy वाई बाई डी एक्स क्या होगा, d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए और बी दोनों ही कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, यू बाई वी से, वाई ऊपर एक्स नीचे है तो यू बाई वी से क्या होगा, वी का स्क्वायर और यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़ तो एक्स एज इट इज़ रहेगा और यू का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस x का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको ज़्यादा सोल्व करना है तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिवाइड में है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये आ गई है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी हमें ज़रूरत है, ये आ गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो कैसे आई है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है इसका, दो बार, और दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने रिमूव भी किया, एलिमिनेट भी किया। कैसे किया, इसमें इजीली हो रहे थे, दोनों कांस्टेंट एक तरफ आ गए, एक तरफ आ गए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो यहीं पर डेरिवेटिव करते वक्त ही एलिमिनेट हो गए तो और भी अच्छा है, नहीं होते तो बाद में इक्वेशंस का यूज़ करके एलिमिनेट करने होते हैं, और फिर जो इक्वेशन बनती है उसे हम कहते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है एक्स वाई और डेरिवेटिव के अंदर, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। किससे बनी है, फैमिली ऑफ कर्व्स से, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहलाई। 7, 8 इसी तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की एक्स प्लस बी ई की माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। फैमिली ऑफ कर्व्स है ये, क्यों, क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हो रहे हैं ए और बी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स को ये इक्वेशन। अब इसके हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और ए और बी को एलिमिनेट भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट इधर डेरिवेटिव कैसे होगा, यू इंटू वी से होगा, तो एक्स का 1 वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका करेंगे ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, ई की एक्स का ई की एक्स प्लस ई का क्या रहता है एज इट इज, और माइनस एक्स का होगा माइनस, तो माइनस बी ई की एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 2x। एक्स के एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का 2x, और एक्सपोनेंशियल का एज इट इज और उसकी पावर है कुछ अलग है तो उसका करना पड़ेगा माइनस एक्स का माइनस 1 प्रोडक्ट। तो यहाँ से ये आ गया वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की एक्स माइनस बी ई की माइनस एक्स प्लस 2x। अब हम इसका एक बार और करते हैं डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो 2 टाइम्स हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, पर डेरिवेटिव खुल जाता है, और इसका यू इंटू वी से होगा एक्स का 1 ये एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और ए कांस्टेंट एज इट इज ई की एक्स का ई की एक्स और माइनस माइनस प्लस बी ई की माइनस एक्स प्लस 2, क्योंकि एक्स का कितना होता है 1। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2dy/dx प्लस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई की एक्स प्लस बी ई की माइनस एक्स प्लस 2। अब ये इक्वेशन आई है तो इसमें अभी हमें क्या करना बाकी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट और करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पर इनको ख़त्म करना पड़ेगा, ए और बी नज़र नहीं आने चाहिए। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ रही है इसकी, हमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं इन इक्वेशन से, हम एक बार ऐड कर दें ए की आ जाएगी, फिर सब्ट्रैक्ट कर दें बी की आ जाएगी, लेकिन यहाँ से ये डायरेक्ट वैल्यू आ रही है फ्रॉम इक्वेशन 1। वी कैन राइट एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई की एक्स प्लस बी ई की माइनस एक्स, इसको मान लेते हैं हम 3, तो फ्रॉम 3 से हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू आ गई है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये इक्वेशन बन गई 2dy/dx प्लस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ये आंसर आ गया भाई इसका, ये आ गई है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी हमें ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन,
एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं उन सब की इक्वेशन हमें चाहिए। सभी लाइंस की जो फैमिली बनेगी, बहुत सारी लाइंस आएंगी एक्स वाई प्लेन में, इनफाइनाइट मैनी लाइंस होंगी, उन सब लाइंस की फैमिली ऑफ लाइंस बन गई वो, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इन एक्स वाई प्लेन इज क्या होगी, देखो हमने पढ़ी है 11th क्लास में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन, उस स्लोप इज m एंड इंटरसेप्ट इज c। यहाँ पर m और c की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे तो सारी इक्वेशन आते जाएंगे, प्लेन में जितनी भी इक्वेशन पॉसिबल हैं वो सब आ जाएंगी लाइन की। एम की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक आएगी, 2 रखेंगे दूसरी आएगी, 3 रखेंगे तीसरी, 1.54 आएगी, यहाँ पर 4 रखेंगे अलग आएगी, तो सारी लाइंस आ जाएंगी प्लेन की। एम और सी यहाँ पर क्या हैं, वेयर एम एंड सी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उतनी ही बार हमें डेरिवेटिव करना होता है उसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम हो जाएगा सी का जीरो, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग, एक बार और इसका हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और एम का डेरिवेटिव होता है जीरो। तो ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड सभी लाइंस के लिए। सभी लाइंस जो एक प्लेन में बनती हैं तो फैमिली ऑफ लाइंस हो गई, बहुत सारी लाइंस बन गई, सभी लाइंस के लिए आ गई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि कोई भी लाइन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम और सी यहाँ पर क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, जिनके अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन आएंगी। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंड एम एंड सी वी गेट डिफरेंट लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। तो सारी लाइन्स के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, वो ये बन गई है। तो पहले हमें इक्वेशन आनी चाहिए, फिर हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब तक जो इससे पहले क्वेश्चन तो थे पढ़े थे हमने, उन सब में इक्वेशन दी रहती थी, अब इक्वेशन नहीं दे रखी, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें अब आगे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है of the family of circles having radius r unit, जिसका रेडियाई कितना है r units है। सभी सर्कल्स की बनानी है जिसका रेडियस हमें दे रखे r unit। तो इसके अंदर हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट r नहीं है, आर कैसा है फिक्स कॉन्स्टेंट है, आर की वैल्यू ये गिवन है रेडियस आर, जैसे फोर की तरह थ्री की तरह आर फिक्स रहेगा, आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखते थे हम, एक्स माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, वेयर ये सभी सर्कल की इक्वेशन हो गई थी। एच के बदलते जाओ, ए बदलते जाओ, अलग अलग सर्कल आते जाएंगे। तो एच के क्या होता है, इसमें सेंटर, और ए क्या होता है, ए इज रेडियस, जबकि यहाँ पर रेडियस तो फिक्स कर दिया है। सभी सर्कल की इक्वेशन बनानी है लेकिन रेडियस आर रहेगा, ये ध्यान देने वाली बात है आर। तो सेंटर बदली होंगे, सेंटर बदली होंगे, सेंटर में जो एच और के है वो क्या रहेंगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर आर रेडियस दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी इस केस में, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई है भाई। तो हमें अब इसमें क्या करना है, एच और के निकालने हैं, क्योंकि एच और के क्या हो गए यहाँ पर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, एच एंड के आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि इनके अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग सर्कल आएंगे, तो सभी सर्कल्स की फैमिली ऑफ सर्कल्स कह रहा है, सभी सर्कल्स की इक्वेशन चाहिए जिनका रेडियस आर हो, तो एच के बदलते रहेंगे भाई, कॉन्स्टेंट हैं लेकिन अलग अलग वैल्यू इनकी रखेंगे तो अलग अलग सर्कल की इक्वेशन आती जाएंगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस आर, सभी सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका रेडियस आर है और सेंटर चेंज होता जा रहा है, एच के कॉन्स्टेंट आर्बिट्रेरी है। तो हमें एच और के की वैल्यू निकालनी है और वो मीन्स एलिमिनेट करनी है, एच और के आर को एलिमिनेट नहीं करना है क्योंकि आर फिक्स कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट टू इंटू एक्स माइनस एच, पावर आगे आ गई एक पावर कम हो गई, इसमें पावर आगे आ गई एक पावर कम हो गई, और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर का हुआ पावर आगे आई एक पावर कम हुई, और आर स्क्वायर का जीरो। अब टू से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, हम इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का कितना हो जाएगा वन, प्लस यू इंटू वी से होगा वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और ये दूसरे वाला एज इट इज प्लस वाई माइनस के एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो हमने इसका दो बार डेरिवेटिव कर दिया है, लेकिन इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है तो इसको भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा इक्वेशंस का यूज़ करके। वाई माइनस के की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम, वाई माइनस के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर। तो वाई माइनस के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, और ये वैल्यू आ गई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस एच की, तो यहाँ से x माइनस एच की ओर निकाल लेते हैं, तो दोनों की वैल्यू आ गई h की और k की, यहाँ पुट कर देंगे क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो वैल्यू आ गई y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम टू मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y माइनस के इन टू y माइनस के इन इक्वेशन टू, वी गेट x माइनस एच भी आ गया, क्योंकि हमें तो h और k आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, ये एलिमिनेट करने हैं, तो माइनस वाई माइनस के की वैल्यू है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर और अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और इन टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो x माइनस एच और y माइनस के दोनों की वैल्यू आ गई, इन दोनों को हम वन में पुट कर देते हैं, फिर देखो x माइनस एच की जगह वैल्यू आ जाएगी, y माइनस के की जगह आ जाएगी, और इक्वेशन किस में रह जाएगी, r में डेरिवेटिव और एक्स वाई में, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पुटिंग करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन वन, वी गेट माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और सारे का होल स्क्वेयर, प्लस वाई माइनस के भी पुट करेंगे, माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और सारे का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर।
और ज़्यादा सोल्व करना है तो एलसीएम ले लेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। आर यहाँ पर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि आर तो गिवन कॉन्स्टेंट है, तो आर फिक्स है, आर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, कॉन्स्टेंट है और फिक्स कॉन्स्टेंट है। लेकिन जो फैमिली ऑफ सर्कल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अलग अलग सेंटर से बनेंगे, बहुत सारे सेंटर के हम सर्कल बना सकते हैं जिनका रेडियस आर हो, तो उन सर्कल्स की इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के क्या होंगे, उसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट किसी कर्व्स में होते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स में, उतनी बार हम उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो हमने इसका टू टाइम्स डेरिवेटिव किया और इस कॉन्स्टेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया, एच को और के को पुटिंग करके वैल्यू, तो ये आ गई है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीके से करेंगे।